भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से अनुसंधान के संबंध में कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के लिए पहली बार एक ऐसी परियोजना राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा योजना के तहत सुरक्षित कृषि और प्राकृतिक खेती पर केंद्र उन्नत कृषि विज्ञान केंद्र नामक एक परियोजना स्वीकार हुई है। ये बात कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अशोक कुमार सरयाल ने पालमपुर में प्रेस वार्ता के दौरान कही। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से अनुसंधान के संबंध में कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के लिए पहली बार एक ऐसी परियोजना राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा योजना के तहत कृषि और प्राकृतिक खेती पर केंद्र नामक एक परियोजना स्वीकार हुई है। ये बात कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अशोक कुमार सरयाल ने पालमपुर में प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष जनवरी 2018 में सबको विदित है कि प्रदेश सरकार और पूर्व राज्यपाल आचार्य देवव्रत के विचारों का अभियान चलाया गया था, जिसके तहत यहां पर 3 करोड़ की लागत से प्राकृतिक खेती केंद्र की स्थापना की गई थी, जिसके उपरांत हमारे पास 4.30 करोड़ प्रदेश सरकार अनुसंधान की परियोजनाएं चलाई गई हैं। कुलपति प्रोफेसर अशोक कुमार सरयाल ने कहा कि अभी एक वर्ष के अंतराल में हमारे लिए भारतीय कृषि अनुसंधान की तरफ से 22.66 करोड़ एडवांस सेंटर के लिए परियोजना स्वीकृत की गई है, जिसके अंतर्गत जिसके नेचुरल फार्मिंग का एडवांस केंद्र स्थापित करना है और उसके साथ में हिमाचल प्रदेश प्रोडक्ट एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है, उसी के तहत प्रोडक्ट एग्रीकल्चर केंद्र की स्थापना की जाएगी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है इन विषयों पर जो भी आधुनिक अनुसंधान दुनिया भर में जहां भी हो रहे हैं उस अनुसंधान क्षेत्र के लिए हमारे वैज्ञानिक विदेशों में प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर के लिए किए जाएंगे, जिसमें 12 वैज्ञानिक विभिन्न विषयों पर 2 से 3 महीनों के लिए जाएंगे तथा साथ में हमारे जो पीएचडी के अध्ययनरत छात्र हैं उनको भी विदेश अपने अध्ययन के लिए रिसर्च के लिए भेजा जाएगा। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के 40 वर्षों के इतिहास में पहली बार विदेश में वैज्ञानिक और हमारे छात्र भी इसमें प्रशिक्षण देंगे और प्रशिक्षण को ग्रहण करेंगे। प्रोफेसर अशोक सरयाल ने बताया कि यह परियोजना बीमारियों और कीट पतंगों उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग कीटनाशकों आदि के मुद्दों को हल करने का अवसर प्रदान करेगी और किसानों को रासायनिक मुक्त सब्जियां पैदा करने और पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करेगी। कुलपति ने बताया कि इस प्रतिष्ठित परियोजना के अलावा 6 अन्य अनुसंधान परियोजनाएं 2.70 करोड़ हाल ही में मंजूर किए गए हैं। अनुसंधान के संबंध में विशेष इस विश्वविद्यालय के लिए पहली बार एक ऐसा प्रोजेक्ट परियोजना स्वीकार हुई है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से जो वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स जिसे नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट्स के नाम के अंतर्गत हमारे लिए सेंटर फॉर एडवांस्ड एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑन नेचुरल फार्मिंग एंड प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर सेंटर फॉर एडवांस्ड एग्रीकल्चरल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी एडवांस्ड एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन नेचुरल फार्मिंग एंड प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर। इस विषय पे विशेषता ये है कि पिछले वर्ष जनवरी 2018 में आपको सबको विदित है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो हमारे फार्मर्स चांसलर और गवर्नर हिमाचल प्रदेश उनके विचार प्रकृति खेती से संबंध में अभियान चला था, उसके अंतर्गत एक यहाँ नेचुरल फार्मिंग केंद्र की स्थापना की गई थी। वो नेचुरल फार्मिंग का जो केंद्र था 3 करोड़ की सरकार की सहायता से स्थापित किया गया था। उसके उपरांत हमारे पास लगभग 4.5 करोड़ के एक वर्ष में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पोषित अनुसंधान की परियोजनाएं चलाई गई और अभी अभी एक वर्ष के अंतराल में ही हमारे लिए भारत सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान की परिषद से 22.66 करोड़ की ये एडवांस सेंटर के लिए परियोजना स्वीकृत हुई है, जिसके अंतर्गत नेचुरल फार्मिंग का एडवांस केंद्र स्थापित करना है
और साथ साथ में हिमाचल प्रदेश प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर को भी एडवांस केंद्र की स्थापना हुई थी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि इन विषयों पे जो भी आधुनिक अनुसंधान दुनिया भर में जहाँ भी हो रहा है उस संधान के क्षेत्र में हमारे वैज्ञानिक विदेशों में प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर विजिट पे जाएंगे। लगभग 12 एक दर्जन हमारे वैज्ञानिक विभिन्न विषयों के इस संदर्भ में ट्रेनिंग और एक्सपोजर विजिट 2 से 3 महीने की प्रत्येक विज्ञानी करेगा। साथ साथ में हमारे जो पीएचडी के अध्ययनरत छात्र हैं उनको भी इसमें विदेश में अपने अध्ययन के लिए रिसर्च ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। ये इस परियोजना की विशेषता है कि 40 वर्षों के इतिहास में पहली बार जिसमें विदेश में वैज्ञानिक एवं हमारे पीएचडी के छात्र भी इसमें प्रशिक्षण ग्रहण करेंगे।